हेलो स्टूडेंट्स, रेम्बो स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। तो यूनिट नंबर 12 देखने वाले हैं जेंडर। जेंडर में अब हम स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो नीचे जेंडर के फॉलोइंग सेंटेंस दिए हैं। तो आपको मालूम हो गया कि जेंडर चार तरह के होते हैं। फीमेनिन जेंडर यानी कि जो स्त्रियों के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि बॉय के लिए यूज होता है, न्यूट्रलर जेंडर और कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि दोनों में आ सकता है, जैसे कि प्यूपल, तो प्यूपल गर्ल्स भी होती है और बॉयज भी होते हैं। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में गर्ल्स भी होता है और बॉयज भी होते हैं। और न्यूटर यानी कि क्या के जिसमें जीव नहीं होता, यानी कि नॉन लिविंग। चलो तो हम जेंडर स्टार्ट करते हैं। द बॉय प्लेज फुटबॉल। तो जो ये लड़का है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। द गर्ल सिंग वेल। तो जो ये लड़की है वो गा रही है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो जो ये टेबल है वो वुड यानी कि लकड़ी से बना हुआ है। द बेबी इज अस्लीप। तो जो बेबी है वो सो रही है। चलो तो ये चार सेंटेंस दिए थे। तो फर्स्ट दिया है द बॉय प्लेज फुटबॉल, ठीक है, तो लड़का है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। सेकंड जो दिया था वो था द गर्ल सिंग्स वेल, तो वो थी लड़की है वो गा रही है। थर्ड दिया द टेबल इज मेड ऑफ फुट, तो जो टेबल है वो लकड़ी से बना हुआ है। और फोर्थ दिया है द बेबी इज अस्लीप, तो बेबी है वो सो रही है। अस्लीप यानी कि वो जगी हुई है। चलो तो अब नीचे उसके मीनिंग देख लेते हैं। द नाउन बॉय इज द नेम ऑफ अ मेल। तो जो बॉय है वो एक मेल का नेम है। किसका नाम है, मेल का। इट इज देयर फॉर सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। तो जो मेल में होते हैं यानी कि पुरुष जाति में होते हैं उसको मैस्कुलिन जेंडर बुलाते हैं। द वर्ड मैस्कुलिन मीन्स मेल एंड सो नेम्स ऑफ ऑल माल पर्सन और एनिमल आर सेड बी टू द मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें क्या बताते हैं कि सभी जो मेल होते हैं एनिमल्स में और पर्सन में, तो उसे मैस्कुलिन जेंडर बुलाते हैं। जैसे कि मैन, बॉय, अंकल, ब्रदर, सन, किंग, लायन, इट्स। फिर सेकंड, द नाउन गर्ल इज द नेम ऑफ फीमेल। तो जो नाउन गर्ल है वो फीमेल का नाम है। किसका नाम है, फीमेल। इट इज देयरफॉर सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। तो वो एक फेमिनिन जेंडर है। क्या है, फेमिनिन। तो जो गर्ल की जाति होती है फीमेल, जो गर्ल में यानी कि स्त्री वो में किया जाता है, उसको फेमिनिन जेंडर बुलाते हैं। द वर्ड फेमिनिन कम्स फ्रॉम द वर्ड मीनिंग वुमन। तो वो एक स्त्री वो का वर्ड होता है। एंड द नेम ऑफ ऑल फीमेल पर्सन एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। तो जो फीमेल के पर्सन और एनिमल्स को क्या बुलाया जाता है, तो फेमिनिन जेंडर। जैसे कि वुमन यानी कि स्त्री, गर्ल यानी कि लड़की, आंटी यानी कि काकी, डॉटर यानी कि बेटी, सिस्टर यानी कि बहन, क्वीन यानी कि रानी, लायनेस यानी कि जो सिंह है उसकी वाइफ, सिंहन। तो जो लायन, तो कुछ तरह के एनिमल्स होते हैं उसमें भी जाति होती है फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर। फिर उसके बाद देखते हैं, द नाउन टेबल इज द नेम ऑफ द थिंग विदाउट लाइफ। तो जो टेबल का नाम है वो विदाउट लाइफ, तो उसमें जीव नहीं है। इट इज देयरफॉर सेड टू बी द न्यूटर जेंडर। तो उसको क्या बुलाते हैं, न्यूटर जेंडर। न्यूटर मीन्स नॉट एथर यानी कि वो नहीं है। एग्जाम्पल मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो वो मैस्कुलिन भी नहीं होता और फेमिनिन भी नहीं होता है, उसको बुलाते हैं न्यूटर जेंडर। थिंग्स विदाउट लाइफ कैन नॉट बी इधर मेल और फीमेल। तो जो विदाउट लाइफ होता है यानी कि उसमें जिंदगी नहीं होती, वो मेल भी नहीं होता और फीमेल भी नहीं होता। हैंस द नेम ऑफ द सच थिंग्स आर सेड टू बी द न्यूटर जेंडर। तो उसको हम क्या नाम से बुलाते हैं, न्यूटर जेंडर नाम से बुलाते हैं। एज हाउस, थेप, ट्रे, चेयर, टेबल, डेस्क, बोल और इट्स। तो ये सारे के सारे कौन से थे, तो न्यूटर जेंडर। चलो तो ये पेज में हमने कौन से जेंडर देखे। तो फर्स्ट जेंडर था
मुश्किलिन जेंडर, मुश्किलिन जेंडर यानी कि जो पुरुष जाति के लिए हम यूज करते हैं उसको हम मुश्किलिन जेंडर बुलाते हैं, जैसे कि मैन यानी कि मानस, बॉय यानी कि लड़का, अंकल यानी कि काका, सन यानी कि बेटा, ब्रदर यानी कि भाई, किंग यानी कि राजा, लायन यानी कि सिंह। फिर उसके बाद द नाउन गर्ल्स इज द नेम ऑफ द फीमेल इज द देयरफॉर फेमिनिन जेंडर। तो जो नाउन गर्ल है तो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर यानी कि विदाउट लाइफ जो थिंक होते हैं वो, तो उसमें जिंदगी ही नहीं होती, विदाउट लाइफ यानी कि जो निर्जीव वस्तु है वो, जैसे कि टेबल, तो टेबल आया था कि टेबल जो है वो वुड का है। तो न्यूट्रल जेंडर में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें जो फेमिनिन भी नहीं होते और मैस्कुलिन भी नहीं होते उसे न्यूट्रल जेंडर बुलाते हैं, जैसे कि हाउस, थीप, ट्री, चेयर, टेबल, डेस्क, बॉल, इट्स वगैरह। तो ये जेंडर में हमने चार तरह के जेंडर देखे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, तीन तरह के जेंडर देखे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन जेंडर। उसके बाद द नाउन बेबी मे बी यूज फॉर बोथ अ मेल बेबी एंड फीमेल बेबी। तो जो बेबी है लास्ट वाला वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए उसको कॉमन जेंडर बुलाते हैं। नाउन्स विच मे बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर टू वर्ल्ड। चाइल्ड मे मीन्स एदर अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, इट इज वर्ल्ड कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें क्या कहते हैं हमें कि जो कॉमन जेंडर होते हैं वो चाइल्ड होता है, जैसे कि चाइल्ड लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो उसे भी कॉमन में बोला जाता है। तो वर्ड लाइक जैसे कि चाइल्ड, फ्रेंड, कजिन, पर्सन, प्यूपिल, टीचर आर सेड टू बी नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर। तो जो चाइल्ड यानी कि जो बच्चे होते हैं वो फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, फ्रेंड फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, कजन, पर्सन, प्यूपिल, तो ये सब है वो कॉमन जेंडर के नाउन है। तो फर्स्ट हमने देखा मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर में सिर्फ मेल जाति यानी कि पुरुष जाति का हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखा हमने फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्री जाति यानी कि जो गर्ल की जाति होती है उसको हम यूज करते हैं। फिर हमने देखा न्यूटर, तो जो नॉन लिविंग होती है जैसे कि वो विदाउट लाइफ यानी कि उसमें जिंदगी नहीं होती उस तरह की, उसको हम न्यूटर जेंडर देखा। फिर कॉमन जेंडर यानी कि वो लड़के में भी आता है, वो लड़की में भी आता है, उसे हम कॉमन जेंडर कह रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड, फ्रेंड, कजिन। चलो तो ये हमने चारों तरह के जेंडर देख लिए। अब उसके बाद उसका जो बी पार्ट है वो देखते हैं। There are three ways in which feminine noun can be formed from the masculine noun. तो by adding ess to masculine. तो कुछ ऐसे जो होते हैं जो masculine noun में, feminine noun में सिर्फ last में ess लगाया जाता है। तो कुछ ऐसे noun है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे word दिए हैं वो देख ले है। Lion. तो lion यानी कि सिंह, तो उसकी जो feminine होता है lion. नेस। फिर होता है पोएट यानी कि जो कवि, तो उसको प्रिस्ट यानी कि पंडित जी, प्रिस्टेस, ऑथर, ऑथरेस, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, सेपर्ड, तो सेपर्ड यानी कि जो भरवाड़ है उसका, भरवाड़ को सेपर्ड बुलाते हैं, जो दूध ने वो देता है उसे शेपर्डेस, तो उसकी जो फेमिनिन होती है उसको शेपर्डेस बुलाते हैं। होस्ट यानी कि कहीं पे भी हम जाएंगे तो कहीं फंक्शन, कहीं शो होगा तो उसमें जो होस्ट करता है उसकी जो फेमिनिन होती है उसको होस्टेड किया जाता है। काउंट, काउंटेंस, हेयर, हेरेश। फिर देखते हैं हम समटाइम्स द फॉर्म साइलेंटली चेंज बिफोर ESC इज एडेड। एग्जाम्पल, तो कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट में EST साइलेंटली चेंज होते हैं, जैसे कि स्ट्रोंगर स्टार तो स्ट्रोंगरेस, एक्टर, एक्ट्रेस, हंटर, हंटर्स, टाइगर, टाइगर्स, बेनेफेक्टर, बेनेफेक्टर्स, मास्टर, मिस्ट्रीज, ड्यूक, ड्यूकेस,
एम्परर एम्प्रेस, गुड गुडेस, गवर्नर गवर्नर्स, मास्टर मिस्ट्रेस, वेटर और वेटर्स। तो इसका मीनिंग क्या है? सॉन्गस्टर यानी कि गायक, सॉन्गस्ट्रेस यानी कि गायिका, एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्र और एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री, हंटर यानी कि शिकारी, हंट्रेस यानी कि शिकारन, टाइगर यानी कि वाघ, टाइगरेस यानी कि बाघनी, बेनिफेक्टर्स यानी कि दान देने वाला और बेनिफेक्टर्स यानी कि दान देने वाली, मास्टर तो जो कोई भी चीज में जो मास्टर होता है उसका, तो उसको जो मुश्किलन होता है उसको मास्टर बुलाते हैं, और उसकी विमेनन होती है यानी कि मिस्टर, यानी कि कोई भी आपको सिखाता है कोई भी चीज उसको मास्टर बुलाते हैं। फिर ड्यूक, तो ड्यूक यानी कि क्या होता है, जो शासक होता है वो, और ड्यूकेश यानी कि शासकी, एम्परर यानी कि सम्राट और एम्प्रेस यानी कि सम्राटी, गॉड यानी कि भगवान और गॉडेस यानी कि देवी, गवर्नर यानी कि जो गवर्नर होती है वो, गवर्नेस यानी कि जो फीमेल में गवर्नेस होती है वो, मास्टर का आपको मालूम है, वेटर यानी कि जो आपको कहीं पे भी होटल में जाते हो तो कैसे सब सर्व करता है उसे वेटर बुलाते हैं, और जो लड़की होती है उसको वेटरर्स बुलाते हैं। अब नीचे नोट देखते हैं। स्टडी हाउ द फॉलोइंग फीमेल आर फॉर्म्ड, हीरो हीरोइन, विडोवर विडो, लैड लैस, ब्रिंग ग्रो ब्राइड, सर मैडम, मिस्टर मिसिस। तो हीरो यानी कि कोई भी एक्टर होता है वो, और हीरोइन यानी कि एक्ट्रेस, विडोवर यानी कि जो जिसकी पत्नी मर गई होती है वो, और विडो यानी कि जो जिसकी हस्बैंड मर गया होता है वो, लैड लैड यानी कि लेड यानी कि बालक, और लेडी लेज यानी कि बालिका, ब्राइडग्रूम यानी कि जो मैरिज वर्राजा होता है वो, और ब्राइड यानी कि दुल्हन, सर यानी कि कोई भी मेल को बुलाते हैं सर, मैडम यानी कि फीमेल मो मैडम के, मिस्टर और मिसिस। फिर देखते हैं सेकंड, बाय और डिफरेंट वर्ड, और डिफरेंट वर्ड होते हैं उसे हम देखते हैं, बैचलर, बैचलर यानी कि जो अविवाहित मैन होता है वो, और मैड यानी कि अविवाहित लड़की, बॉय यानी कि लड़का, गर्ल यानी कि लड़की, ब्रदर यानी कि भाई, सिस्टर यानी कि बहन, बल यानी कि बड़द, काव यानी कि गाय, कुक यानी कि जो कुक होता है मुर्गा उसको, और हैन यानी कि मुर्गी, डोग यानी कि कुत्ता, और जो डोग की जाति में फीमेल होता है उसको बिच बुलाते हैं, अल अल यानी कि, तो अल यानी कि राजा, और काउंटेस यानी कि उसकी बेगम, अंकल यानी कि काका, आंटी यानी कि काकी, जेंटलमैन तो अंकल में फुई फुई भी फुआ भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकता है, मामा भी होता है, और आंटी में भी वैसे ही, जेंटलमैन यानी कि एक अच्छा लड़का, और लेडी यानी कि हॉर्स यानी कि घोड़ा, मेर यानी कि घोड़ी, हस्बैंड यानी कि पति, वाइफ यानी कि पत्नी, सन यानी कि बेटा, डॉटर यानी कि बेटी, किंग यानी कि राजा, क्वीन यानी कि रानी, मैन यानी कि जो फीमेल मेल में होता है मैन, और वुमन यानी कि लड़की, नेफ्यू यानी कि भतीजा, और निश यानी कि भतीजी, मॉन्क मॉन्क यानी कि मॉन्क के सामने क्या दिया है हमें, नन, तो मॉन्क यानी कि साधु होता है, और नन यानी कि साध्वी, पापा यानी कि फादर, और मम्मा यानी कि मदर, सर और मैडम। तो ये थे बाय अ डिफरेंट वर्ड, तो इसमें हमने डिफरेंट करा के जो फीमेल और मैस्कुलिन देखे बाय एडिंग ESES टू देखा, फिर उसके बाद साइलेंटली चेंज बिफोर ESTE, और उसके बाद देखे सिर्फ अलग ही होते थे उस तरह के फीमेल और मैन देख ले। चलो तो अब नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। तो द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नाउन इज कॉमन जेंडर, तो यहाँ पे जो दिए है वो कॉमन जेंडर है, पेरेंट, रिलेशन, फ्रेंड, कजिन, बर्ड, डियर, सर्वेंट, टीचर, चाइल्ड, बेबी, ऑर्फन, प्यूपिल, स्टूडेंट और पर्सन। फीमेल और कंपाउंड नाउन्स, तो मैस्कुलिन और फीमेल जो सेम ही होते हैं, सिर्फ आगे ही चेंज होता है, जैसे कि जेंटलमैन तो जेंटल वुमन, ग्रैंडफादर तो ग्रैंड मदर, मिल्कमैन तो ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, ग्रैंडमदर यानी कि दादी जी, मिल्कमैन यानी कि दूध वाला, मिल्कमेड यानी कि दूध वाली, मैन सर्वेंट यानी कि जो लड़का नौकर होता है वो, और मैड सर्वेंट यानी कि लड़की नौकर होती है वो, फिशरमैन
तो फिशरमैन यानी कि जो मच्छी बेचता है वो, और फिशर वुमन तो मच्छी बेचती है वो। फिर उसके बाद दिया है स्टेप, स्टेपसन, तो स्टेपसन यानी कि सोतेला बेटा, और स्टेप डॉटर यानी कि सोतेली बेटी, स्टेप फादर यानी कि सोतेले पापा, स्टेप मदर यानी कि सोतेली मम्मी, लैंडलॉर्ड, लैंड योर लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक, और लैंड लेडी यानी कि मकान मालकिन, ही गोट यानी कि बकरी, दोनों ही सेम होता है, सिर्फ ही और शी में ही चेंज होता है। वॉशरमैन यानी कि जो कपड़े धोता है धोबी, और वॉशर वुमन यानी कि कपड़े धोती है धोबी। पिकॉक यानी कि मोर, पिहन यानी कि डेल। तो उसके बाद ई देखते हैं, नो डेट पर नाउन ही यूज टू द इंस्टेड ऑफ सिंगुलर मैस्कुलिन नाउन, सी इज यूज टू द इंस्टेड ऑफ द सिंगुलर फेमिनिन नाउन, एंड इट यूज इंस्टेड ऑफ सिंगुलर न्यूटर नाउन। जैसे कि द किंग वेंट टू द प्लेस ही एट हिज ब्रेकफास्ट, द क्वीन वेंट टू द प्लेस ही एट हर ब्रेकफास्ट। जैसे कि किंग यानी कि लड़का है, उसमें हम क्या यूज करते हैं ही, तो यहाँ पे क्वीन है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं सी। द किंग लिव इन द प्लेस, तो ये प्लेस जगह है तो उसके हम क्या यूज करेंगे इट। द प्रोनाउन्स दे एंड देम मे बी मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर एग्जाम्पल। तो जो प्रोनाउन दे और देम है वो हम तीनों में यूज कर सकते हैं, तो तीनों के बहुवचन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि द बॉयज हैव जस्ट रिटर्न होम, दे मस्ट बी हंग्री, दे हैव समथिंग टू इट। द गर्ल्स हैव बीन टू सिनेमा, आस्क देम इफ दे एंजॉय द पिक्चर। द बुक ऑन द टेबल आर माइन, दे हैव मैनी ब्यूटीफुल पिक्चर इन देम। तो जो ये दे और देम है यानी कि बहुवचन में हम यूज करेंगे, दोनों तीनों में वही सेम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जी दिया है, व्हेन अ नाउन चेंज फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन टू प्रोनाउन इन द सेंटेंस मस्ट चेंज टू एस मैस्कुलिन, और यहाँ पे फेमिनिन दिया है। द किंग वेंट इन टू द हॉल, ही एट हिज ब्रेकफास्ट, हिज अंकल हैज अ कार, ही गोज टू ऑफिस इन हिज कार। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो अंकल, द किंग वेंट टू इन टू द हॉल, तो वो हॉल के अंदर जा रहे हैं। ही इज एट हिज ब्रेकफास्ट, तो वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हीज यूज हुआ, तो लड़के के लिए हीज यूज करते हैं। जैसे कि हिज अंकल हैज अ कार, उसके अंकल के पास गाड़ी है। ही गोज टू ऑफिस इन हिज कार, तो वो अपनी ऑफिस अपनी गाड़ी से जाते हैं। और यहाँ पे सेम है, द क्वीन वेंट टू इन टू द हॉल, सी आर एट हर, तो यहाँ पे हिज की जगह पे क्या लगा है ही, हर, क्योंकि ये रानी है इसलिए। और यहाँ पे हर आंट हैज अ कार, सी गोज टू हर कार। फिर यहाँ पे दिया है, द फादर लव्ड द एल्डेस्ट सन वेरी मच, द मदर लव्ड द एल्डेस्ट डॉटर वेरी मच। His brother is an actor, तो उसका जो भाई है वो एक्टर है। He always played the part of hero in the film. Her sister is actress, she always playing the part of a hero heroine in the film. तो ये हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन के देख लिए। अब हम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गिव द जेंडर ऑफ द नाउन इन द कलर, तो यहाँ पे जो कलर वाले नाउन है उसका आपको जेंडर लिखना है। तो जो ये फर्स्ट बॉयज है उसका क्या होगा, तो आपको मालूम है मैस्कुलिन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट करके मैस्कुलिन, और जो सेकंड है ये कोई चीज है क्लास, तो वो होगा न्यूटर, एन ई ए यू टी ई आर। फिर प्रिंस, तो ये है राजकुमार यानी कि मैस्कुलिन, और मेयर यानी कि घोड़ी, तो ये होगी फेमिनिन। प्रिंसेस, तो राजकुमारी। फेमिनिन और लैम्ब, लैम्ब यानी कि क्या होता है, बच्चा होता है घेटे का बच्चा, तो उसको हम कहेंगे कॉमन, तो वो दोनों में आता है इसलिए वो कॉमन आएगा। मदर, तो वो है फेमिनिन।
और चर तो वो दोनों में आएगा यानी कि कॉमन, टीचर तो दोनों में आएगा कॉमन, और प्यूपिल्स भी दोनों में आएगा कॉमन, नेफ्यूज तो वो क्या होगा फेमाइन में, सॉरी निष्किन में, और निशेष यानी कि फेमाइन में, मास्टर मुश्किलिन, सर्वेंट किंग मैस्कुलिन, क्वीन फेमाइन, ये दोनों पे मैस्कुलिन ही आएगा। अंकल मैस्कुलिन और आंट फेमाइन, ब्राइड ग्रूम यानी कि वरराजा मैस्कुलिन, ब्राइड यानी कि फेमाइन। कंप्लीट एक्सरसाइज टू देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है ड्यूक, तो उसका होगा ड्यूचेस, वॉशर मैन यानी कि वॉशर वुमान, सन यानी कि डॉटर, नेफ्यू यानी कि नीस, भतीजी, हस्बैंड यानी कि वाइफ, कुक यानी कि हैंड, मॉन्क यानी कि नन, प्रिंस प्रिंसेस, सेपर्ड सेपर्डेस, किंग क्वीन, मिल्कमैन मिल्क वुमन, पीकॉक पीहन, बल काउ, बॉय गर्ल, हॉर्स मैर, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, हीरो हीरोइन, हीरोइन, अंकल आंट, एम्प्रेस मैडम, विडो, होस्टेस। चलो ये 22 कंप्लीट होते हैं। अब पीछे देखते हैं तो गिव द मैस्कुलिन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैस्कुलिन देने हैं, तो निश का नेफ्यू, वेटर्स का वेटर, विजार्ड, हॉर्स टाइगर, हस्बैंड ब्राइड BRI ब्राइड, ग्रूम काउंट, सन होस्ट, सर लैड, डॉग लैंड, लॉर्ड मॉर्क सॉरी मॉन्क, विडोवर फादर, ऑथर।
चलो तो एक्सरसाइज नंबर 3 भी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं, सॉरी 4। तो रिवाइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नाउन एंड प्रोनाउन ऑफ ऑपोजिट जेंडर। तो यहाँ पे आपको फिर से ये लिखने हैं, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे ही लिख के बता देती हूँ किस तरह आपको लिखने होंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चेंज हो जाए ये आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने रहेंगे। फिर से रिवाइड करने, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया है, हिज, तो हिज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हर, हर नेफ्यूज, तो क्या होगा, नीसेस, एंड ब्रदर तो सिस्टर्स, कम टू सी हर, तो आपको बनाना है हर नीसेस एंड सिस्टर कम टू सी हर। फिर उसके बाद द ब्राइड ग्रूम, इस जगह के आपको सिर्फ ब्राइड लगाना है, ब्राइड वॉज राइडिंग ऑन व्हाइट मैर, फादर की जगह पे मदर इज अ डॉक्टर एंड ही वर्क एंड ही की जगह पे सी इन हिज हॉस्पिटल, द लायन की जगह पे लायनेस, लायनेस किल्ड द डॉटर की जगह पे सन ऑफ अ वॉशर वुमन, योर अंकल तो इसकी जगह पे आंट, हर डू डू दिस। तो ये सेंटेंस आपको इस तरह कंप्लीट करने हैं। तो आपको लिखना है हर निशेष एंड सिस्टर कम टू सी हर, द ब्राइड वॉज राइडिंग ऑन अ व्हाइट मैर, माई मदर इज अ डॉक्टर, सी वर्क इन हिज हॉस्पिटल, द लायनेस किल्ड द सन ऑफ वॉशर वुमन, योर अंकल योर आंट वॉन हर नोट टू डू दिस। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड अंडरलाइन इट। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट दी उसको अंडरलाइन करके करेक्ट वर्ड चूज करना है। दिस इज माय, सीता है तो क्या आएगा, मिस, और लड़की है यानी कि सी। ही इज विडो, तो विडो क्या होती है, तो के वो, तो उसके बाद सेकंड देखते हैं, हिज अंकल इज विडो, तो विडो यानी कि क्या होता है, तो जिसके पति नहीं होते उसको विडो बुलाते हैं, तो हिज इज अ विडो, तो यहां पे क्या आएगा, आंट, हिज आंट इज अ विडो, हर हस्बैंड वॉज ग्रेट स्कॉलर, ही द बॉय हैज जस्ट कम होम, ask him he want to his dinner, her यानी कि उसके पति treated her kindly, the queen lost bag of gold, her, फिर उसके बाद his wife looked after him, the woman saved her husband from death, the man felt the loss of his wife। चलो तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे यूनिट और आपका लेक्चर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 30 देखेंगे।